नमस्ते बच्चों कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कविता और कविता का नाम है सही समय पर यह कविता डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग इन्होंने लिखी है इस कविता में आपको हर काम समय पर करना चाहिए हर काम अगर आप समय पर करते हैं तो आपको कौन से कौन से फ़ायदे होंगे आपका कौन सा नुकसान होगा यह बहुत ही सुंदर तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों को बताया गया है इसलिए इस कविता का पठन अच्छे से आपको करना है तो चलिए शुरू करते हैं कविता सही समय पर सही समय पर सूरज आता सही समय ढल जाता है सही समय पर सूरज आता यानी जब सवेरा होता है तब सूरज की गिरने धरती पर गिरती है उसे हम कहते हैं कि सवेरा हो गया है सभी तरफ उजाला रोशनी होती है सही समय ढल जाता है यानी जब अंधेरा होता है तब अपने नित समय पर सूरज ढल जाता है इसका मतलब होता है सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है चंदा भी नित समय से आता सही समय छिप जाता है चंदा मामा इनको तो हम सभी जानते हैं यह जो चंदा मामा है नित समय यानी अपने ठहरे हुए समय पे ही आता है और सही समय छिप जाता है यानी जब उसका समय आता है तब वह आसमान में छिप जाता है चंदा मामा का जो समय है यह वह दिन में हमको दिखता नहीं वह दिन में छिपकर रहता है और रात को वह हमारे सामने आ जाता है पंछी सदा समय पर जगते नभ में फिर उड़ जाते हैं दूर दूर तक उड़ कर जाते दाना चुग कर लाते हैं पंछी पंछी सदा समय पर जगते यानी पंछी हमेशा सवेरे ही जग जाते हैं नभ में फिर उड़ जाते हैं नभ यानी क्या होता है आसमान वह सवेरे उठने के बाद आसमान में उड़ने लगते हैं दूर दूर तक उड़कर जाते दाना चुग कर लाते हैं इसका मतलब होता है वह पंछी इतने दूर दूर तक उड़ते हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं वह अपने लिए अपने बच्चों के लिए दाना लाते हैं और दाना खाकर पंछी अपना पेट भरते हैं हम जब सवेरे उठते हैं तब हम हमेशा पंछियों की चहल पहल हमें सुनाई देती है पंछियों की यह जो चहल पहल है यह बहुत ही हमारे मन को भाती है क्योंकि पंछियों की चहल पहल सुनने के बाद मानो ऐसे लगता है कि कितना सवेरा हो गया है अभी तो हमें उड़ जाना चाहिए और हमें हमारे काम पर लग जाना चाहिए सुबह समय से खिलती कलिया किरण देख मुस्काती है संग पवन के झूम झूम कर नीत सुगंध फैलाती है सुबह समय से खिलती कलिया यानी सुबह के समय पर ही बागों में फूलों की कलिया खिलती है किरण देख मुस्काती है यानी यह जो कलिया है फूलों की यह सूरज की किरणों को देखकर मुस्काती है यानी उनके तरफ देखकर वह हंसती है संग पवन के झूम झूम कर नीत संग सुगंध फैलाती है पवन यानी हवा हवा के साथ वह झूम झूम कर चारों दिशाओं में सुगंध यानी खुशबू फैलाती है यह जो फूलों की कलियां है इनका जो सुगंध है इनकी जो खुशबू है वह बहुत ही सुहावनी होती है सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है देखो बच्चों हमें हमेशा सही समय पर सो जाना चाहिए तभी हम स्वस्थ रहेंगे अगर हम अपना हर काम समय पर करेंगे तो हम अपने जीवन में निश्चित ही सफल हो जाएंगे इसीलिए अपना हर काम अपने तय किए हुए वक्त पर ही पूरा करने की हमेशा कोशिश हमें करनी चाहिए सही समय पर भोजन करना सही समय व्यायाम करो सही समय पर करो पढ़ाई सही समय विश्राम करो बच्चों आपको हमेशा सही समय पर भोजन करना चाहिए क्योंकि अगर आपने सही समय पर भोजन नहीं किया तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए यानी सही समय व्यायाम करो यानी क्या होता है हमें क्या करना चाहिए सही समय पर व्यायाम करना चाहिए क्योंकि व्यायाम करने से हमारी जो तबीयत है तंदुरुस्त रहती हैं उसके बाद सही समय पर करो पढ़ाई यानी हमें अपने सही समय पर पढ़ाई करनी चाहिए हमें अपने पढ़ाई का एक समय तय करना चाहिए अगर आप सुबह बैठते हो या शाम को पढ़ाई के लिए बैठते हो तो अपना जो समय है वह निश्चित कर लो यानी आपको पाँच बजे बैठना है कि छः बजे बैठना है जो भी आपका समय होगा उसी समय पर आप पढ़ाई करो और खेलने का भी समय आप तय करो उसके बाद हमें हमेशा सही समय पर विश्राम करना चाहिए यानी जल्दी से सो जाना चाहिए पूरा रात भर जगना नहीं चाहिए क्योंकि रात भर जगने से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है इसीलिए हमें जल्दी से विश्राम करना चाहिए यानी जल्दी से खाना खाकर सो जाना चाहिए देखा ना बच्चों आपने सही समय पर हर काम करने से हमारे कितने फ़ायदे हैं और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए तो बच्चों यह कविता हम और एक बार दोहराएंगे आपको मेरे पीछे पीछे यह कविता बोलना है तो चलिए शुरू करते हैं कविता का नाम है सही समय पर सही समय पर सूरज आता सही समय ढल जाता है चंदा भी नित समय से आता सही समय छिप जाता है पंछी सदा समय पर जगते नभ में फिर उड़ जाते हैं दूर दूर तक उड़ कर जाते दाना चुग कर लाते हैं सुबह समय से खिलती कलियां किरण देख मुस्काती है संग पवन के झूम झूम कर नीत सुगंध फैलाती है सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है सही समय पर भोजन करना सही समय व्यायाम करो सही समय पर करो पढ़ाई सही समय विश्राम करो आशा करती हूँ बच्चों सही समय का मतलब आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना